नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी मेकर .99 में। तो दोस्तों, आज के क्लास में जैसा कि आप सभी को पता है कि मैथ की कम से कम 10 से 20 क्लास करवा दी हैं SSC GD और SSC आपकी मैथ की। तो अगर आपने नहीं देखी है मैथ की क्लास 2021 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने उस पर कराए हैं, और हाल फिलहाल में जो आपका SSC CGL का भी जो एग्ज़ाम होने वाला है 2021 के, उसके भी टॉप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमने उसमें भी करवा दिए हैं। तो अगर मैथ के अपने कोचिंग क्लास नहीं ली है तो उसको पहले देखिए, फिर आज की क्लास से हम स्टार्ट कर रहे हैं रीजनिंग। यानी कि आज की जो क्लास है यहाँ पे रीजनिंग का पहली क्लास है, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। पिछली क्लास से जितने भी पिछली एग्जाम, जितनी बार SSC लेवल के कोचिंग जो पेपर हुए हैं, उनमें सभी को हम आपको प्रैक्टिस सेट यानी कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहे हैं। हम इस क्लास में वो क्वेश्चन आपको कराएंगे जो कि 2 से 3 बार पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो पहला टॉपिक आता है आपका लुप्त संख्याएं ज्ञात करना, यानी कि मिसिंग नंबर। क्या होता है मिसिंग नंबर? मिसिंग नंबर से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सभी आपके क्लास के सामने बनते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन आपके सामने है। इस क्वेश्चन को लगातार SSC GD में 3 से 4 बार आपका पूछे जाने वाला क्वेश्चन है SSC GD में, ठीक है। तो अगर आप 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था, अगर आप इस क्वेश्चन को देखने में इंटरेस्ट है तो वीडियो को पूरा जरूर से देखें। अगर इसका आंसर आपको पता है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपके आंसर बता सकते हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हैं, इन चारों ऑप्शन में से एक आंसर इस पुट यानी कि इस जगह पर आपको लाना है। तो देखिए कैसे करते हैं, अगर आपको नहीं आता तो वीडियो को पूरा जरूर बने लें। हम इसका राइट आंसर आपके सामने निकाल के इन चारों ऑप्शन में से बताते हैं, ठीक है। देखिए क्या करना है, यहाँ पर होता है किसका वर्ग? 2 का वर्ग। यहाँ पर होता है आपका 16 का वर्ग। अब आपको क्या करना है, देखिए 16 और 4 यानी कि 16 और 4 हो जाएगा आपका 20, यानी कि दोनों संख्या का वर्ग करके कर देना है आपको प्लस, तो इसके अंदर वाले स्क्वायर वाली संख्या आपकी आ जाएगी, ठीक है। इस प्रकार से आपको यहां पे करना है। अब देखिए यहां पे क्या होने वाला है, तो यहां पे आपको एक छोटी संख्या मिस्टेक है क्वेश्चन में, यहां पे आएगा आपका 5। क्या आएगा यहाँ पे? 5। तो 5 का वर्ग कितना होता है? 25। 2 का वर्ग कितना होता है? 4। दोनों को करेंगे प्लस तो आपका 29 यहाँ पे देखिए आ जाएगी। इस प्रकार से आप इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा? 36। 9 होता है आपका 45। अब यहाँ पे आपको देखना है 7 का वर्ग होता है 49। यहाँ पे कौन सी संख्या लानी है कि जिसका हम वर्ग करेंगे, जो कि इसमें प्लस करेंगे तो हमारा 65 निकल के आएगा। तो यहाँ पे आएगी देखिए 49, आपको करना चाहिए 65। तो यहाँ पे कौन सा, देखिए ऑप्शन में आपके 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 6 भी है। तो पहले बड़ी संख्या का देंगे 6 का 36 यानी कि ज़्यादा हो जाएगा। फिर हम देखेंगे 4 का, तो 4 का होता है 4 चौको 16 तो ज़्यादा हो जाएगा। फिर देखेंगे हम 3 का, तो 3 का होता है 9, और 49 प्लस 9 जब हम करेंगे तो हो जाएगा हमारा 65, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा 3 राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। इस प्रकार से GD में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बड़ी अट्रैक्टिव क्वेश्चन होते हैं, लेकिन करने के बाद आपको सिंपल लगते हैं। अगर क्वेश्चन आपको सही लगा है, पसंद आया है, कुछ आपने सीखा है, तो वीडियो को एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर से करके जाएं, ठीक है। इसी प्रकार से हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को भी SSC GD में 3 से 4 बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है 2021 में। हमने आपसे पहले बोला था क्वेश्चन के शुरू में कि हम आपको वही क्वेश्चन कराएंगे जो कि SSC GD और SSC CGL में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इनकी जो 3 से 4 बार पूछे गए क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन सेट पेपर में लिया गया था, इसलिए हमने इस क्वेश्चन को कराने की आपको जिम्मेवारी ली है। तो ऑप्शन आपके सामने 4 आपके सामने है, जिसमें से है 0, 2, 68, 79। अगर आपको इसका आंसर आता है तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर से बताइएगा, अगर नहीं आता तो वीडियो के अंत तक बने रहें, इसका राइट आंसर आपको पता चल जाएगा और ट्रिक भी आपको पता चलेगी कि क्या हुआ है इन क्वेश्चन के अंदर। देखिए एक मैं ट्रिक बताता हूँ कि आपके सबसे पहले क्या देखना पड़ता है क्वेश्चन के अंदर। देखिए 45 है, 12 है, 57 है, इनकी ऐसी संख्या देखिए मूव कर रही है, एक बीच में 0 यानी कि इस साइड कोई प्लस हुआ या माइनस हुआ ये निकल के आया, या इन दोनों में कुछ हुआ तो ये निकल के आया, या इस साइड से भी आपकी चल सकती है 45 और 11 में कुछ हुआ तो 1 हुआ। यानी कि आपको दिमाग लगाना पड़ता है, ये होता है रीजनिंग। रीजनिंग में जितना आप दिमाग लगाएंगे उतना ही ज़्यादा आपका सिंपल क्वेश्चन होता चला जाएगा।
देखिए सिंपल सीट रखें, आपको ज़्यादा कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। देखिए आप 45 और 12 को प्लस कर दीजिए सिंपल तरीके से। तो देखिए 5 और 2 होता है 7, 4 और 1 होता है 5, यानी कि 57 आपका निकल के आ गया है। इस प्रकार से देखिए दोनों संख्या को करना है प्लस। 11 और 0 को प्लस करेंगे तो 0 ही कि सॉरी 11 ही आएगा, क्योंकि 0 कोई मायने नहीं होता है। तो इसमें बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, 1 और 1 को प्लस करेंगे तो हमारा 2, यानी कि ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इससे पहले आपको इसका क्वेश्चन देखने में कितना ज़्यादा बेहतरीन खतरनाक लग रहा था, लेकिन करने के बाद आपने इसको देखा और हल पता चला कि किस टाइप से हुआ, तो आपको बिल्कुल सिंपल लगने लग रहा होगा इस क्वेश्चन। अगर इस टाइप के क्वेश्चन आप सीखना चाहते हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर दें और लाइक भी जरूर कर दें, ताकि आने वाली वीडियो आपको जल्दी से प्राप्त हो सके। उसके लिए आपको बेल आइकन भी प्रेस करना पड़ेगा। तो रोज़ चैनल पर इस पर 2 से 3 वीडियो अपलोड की जाती हैं। अगर आपने मैथ की वीडियो नहीं देखी पहले, उसको जाके आप ज़रूर से देखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए वंदे मातरम।